नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संदर्भ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और महिला संबंधित विषयों पर आरएसएस का क्या दृष्टिकोण है। हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि जो सवाल अक्सर पूछे जाते हैं कि क्यों संघ में जो है महिलाएं नहीं हैं, क्या संघ में महिलाएं नहीं आ सकती हैं, संघ में महिलाएं क्यों नहीं आ सकती हैं, इसके लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां हैं। आज हम इन भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। पहली बात, जब 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई तो उस समय कुछ युवाओं को लेकर डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने इस संगठन को स्थापित किया। उसके बाद 1936 में राष्ट्र सविता समिति की स्थापना हुई, जिसे लक्ष्मीबाई केलकर जी ने डॉक्टर हेडगेवार की प्रेरणा से स्थापित किया। यह संगठन मूल रूप से महिलाओं का संगठन है। आज इस संगठन की देश भर के अंदर लगभग 5000 शाखाएं चलती हैं। जिस प्रकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चलता है, लगभग उसी तर्ज पर राष्ट्र सेविका समिति भी चलती है। जिस प्रकार संघ में प्रचारक है, उसी प्रकार राष्ट्र सेविका समिति में प्रचारिकाएं हैं। लगभग 50 प्रचारिकाएं वहां पे हैं, उनमें से 14 प्रचारिकाएं जो है वो उत्तर पूर्व क्षेत्र में काम कर रही हैं। वे पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में वहाँ काम करती हैं। राष्ट्र सेविका समिति की उपस्थिति अब देश भर की लगभग हर सब डिविजन में है और यह तेजी से आगे बढ़ रही है। महिलाओं से संबंधित सभी विषयों पर राष्ट्र सेविका समिति का काम जो है वो हर क्षेत्र में हो रहा है। इसके बाद हम थोड़े से उदाहरण लेंगे कि संघ से जो प्रेरित संगठन हैं, जिन्हें कई बार लोग संघ परिवार का हिस्सा भी कह देते हैं, तो उन संगठनों में भी महिलाओं की एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन संगठनों के माध्यम से भी महिलाओं की हिस्सेदारी जो है वो संघ के काम में हो रही है। मैं कुछ उदाहरण दूंगा, जैसे अधिवक्ता परिषद है, लगातार महिलाओं से संबंधित कानूनी अधिकारों पर कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और इन कॉन्फ्रेंसेस में महिलाएं और पुरुष दोनों हिस्सा लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इतिहास संकलन समिति की, जो मूलतः भारत का सही इतिहास लिखने पर काम कर रही है। इतिहास संकलन समिति विशेष रूप से भारतीय महिलाओं के इतिहास को जो है प्रस्तुत करने के लिए उन गहन शोध कर रही है और इसके ऊपर कई पुस्तकें भी उन्होंने प्रकाशित की हैं। इसके अलावा वे महिला इतिहासकारों की कॉन्फ्रेंसेस नियमित अंतराल पर ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय मजदूर संघ की। 2017 में भारतीय मजदूर संघ ने एक बड़ा दर्शन आयोजित किया था, दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित किया था। इसमें लगभग 2,00,000 लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से कि 50% महिलाएं थीं। विज्ञान भारती एक और संगठन है जो संघ से प्रेरित है। विज्ञान भारती में इस शक्ति के नाम से एक कार्यक्रम आरंभ किया गया है, पिछले कई सालों से चल रहा है, जिसमें महिला वैज्ञानिकों की जो कॉन्फ्रेंसेज हैं और सेमिनार्स हैं और बैठकें हैं, वो एक नियमित अंतराल पर की जाती हैं। इसके अलावा 2010 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने महिला विमर्श पर एक बड़ा आयोजन किया था। 2 दिन की ये बैठक थी, जिसमें सरसंघचालक जो हैं उन्होंने, डॉक्टर मोहन भागवत सरसंघचालक, खुद इस महिला विमर्श के कार्यक्रम में जो है पूरा समय मौजूद रहे थे। इस आयोजन में महिलाओं से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई और उसके फिर कुछ जो भी निष्कर्ष निकले उनका प्रकाशन भी किया गया। और ये सभी के लिए जो है वो उपलब्ध हैं, जो भी इसे पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, उन्हें इससे जानकारी मिलेगी कि संघ महिलाओं के विषय में क्या सोचता है। दूसरा, 23 और 24 मार्च को भारतीय स्त्री विमर्श के नाम से एक और इसी प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये 2019 में आयोजित किया गया था और इसमें भी जो है वो महिलाओं से संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके अलावा पुणे में दृष्टि नाम की संस्था सन 2000 में स्थापित की गई। दृष्टि देश की अब सबसे प्रमुख महिला संबंधित विषयों पर अध्ययन करने वाली संस्था बन चुकी है। समय पहले उन्होंने इस देश का सबसे बड़ा महिला सर्वेक्षण भी जारी किया था और ये महिला सर्वेक्षण करने में उन्हें लगभग 3 वर्ष का समय लगा था। इस महिला सर्वेक्षण को पूरे सर्वेक्षण को महिलाओं ने ही किया था और महिलाओं ने ही इसे प्रस्तुत किया, महिलाओं ने ही पूरी रिपोर्ट तैयार की। और अंत में एक बात और, ये सारी भ्रांतियाँ इस वजह से उत्पन्न हुई हैं क्योंकि संघ या आरएसएस का एक बड़ा स्पष्ट मत है कि फेमिनिज्म का जो आंदोलन या नारी अधिकारों का, महिला अधिकारों का जो आंदोलन पश्चिम में चलाया गया, वह भारत के संस्कृति और भारत के सामाजिक जो ताना बाना है
उसमें कहीं पर भी वो फिट नहीं बैठता है। वो एक पश्चिमी अवधारणा है, उसे यहाँ पर सीधा लाकर जो है वो चिपकाने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से महिला अधिकारों के नाम पर यहाँ महिला बनाम पुरुष एक प्रकार से जो है वो संघर्ष खड़ा करने की कोशिश की गई। जबकि भारत में जो महिला अधिकारों की अवधारणा है वो बड़ी स्पष्ट है, जो भारतीय अवधारणा है वो ये है कि महिला और पुरुष इस समाज का बराबर हिस्सा है, उन्हें मिलकर काम करना चाहिए, महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, अगर वो घर से बाहर जाकर काम करना चाहती हैं तो उन्हें उत्साहित किया जाना चाहिए, अगर वो पब्लिक लाइफ में सार्वजनिक जीवन में जाना चाहते हैं तो परिवार को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। ये एक भारतीय अवधारणा है, इसमें संघर्ष का कहीं पर भी स्थान नहीं है। इसलिए अक्सर जो लोग पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित रहे हैं वह संघ के महिला संबंधित जो दृष्टिकोण है, संघ का जो महिला संबंधित दृष्टिकोण है उसे लेकर सवाल उठाते रहे हैं। मुझे लगता है कि इस चर्चा के बाद इनमें से कई प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। आगे इस प्रकार के प्रश्नों पर और भी चर्चा जारी रखेंगे। धन्यवाद।